जुर्म की दास्तां के साथ मैं शारिफ इब्राहिम मुखबिर में आपका इस्तकबाल करता हूं। परवरिश, एक अच्छी परवरिश कितनी जरूरी होती है ये आज आप आगे आने वाली रिपोर्ट से समझ जाएंगे। कुछ लड़के हैं, एक लड़की है, लड़के एक अकेली लड़की पर अपना जोर दिखा रहे हैं। उसी जोर को पुलिस ने धीमा कर दिया तो जोर दिखाने लगे उस लड़के के परिजन। क्या है पूरा माजरा, देखिए आगे आने वाली इस रिपोर्ट को। ऐसे लड़के लोग बर्बाद होते हैं, ऐसे काम मतलब बर्बाद, इसीलिए अखलती गुंडा बना था, यही कारण था अखलती गुंडा बना था, यही यही कारण था गुंडा, यही कारण था अखलती गुंडा बना था। मारा गया थाने से बाहर नहीं निकला, मारा काम मतलब बर्बाद, इसीलिए अखलती गुंडा बना था, यही कारण था अखलती गुंडा बना था। ये है यश के पिता राजीव शर्मा और उनके दोस्त। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में रहता है ये परिवार। राजीव शर्मा का कहना है कि यही वजह है कि अखिलेश सिंह गुंडा बना था। उनके मित्र का कहना है कि भाई इसी वजह से लड़का लोग बर्बाद होता है, ऐसे लड़के लोग बर्बाद होते हैं, इसीलिए अखिलेश गुंडा बना था, यही कारण था अखिलेश गुंडा बना था, यही यही कारण था गुंडा, यही कारण था अखिलेश गुंडा बना था, थाने से बाहर नहीं निकला। यह हंगामा हो रहा है जमशेदपुर के MGM अस्पताल में। अब तस्वीरों को और खोलते हैं। रस्सी से बंधा ये है राजीव साहब का नवाबजादा यश। इसके हाथ में हथकड़ी है और इसकी रस्सी का दूसरा हिस्सा है पुलिसकर्मी के हाथों में। ये बताने को काफी है कि नवाब जादे ने कोई अपराध किया है, इस वजह से ये हथकड़ियों में जकड़ा गया है। एक लड़का MGM अस्पताल के फर्श पर पड़ा हंगामा या यूं कहें नाटक कर रहा है। उसके पिता और परिजन पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप एक मासूम पर जुल्म करने का है। अब आपको उस मासूम की मासूमियत भी दिखाते हैं। देखिए आगे आने वाले इस वायरल वीडियो को। हंसी आ रहा मेरा, हंसने टाइम मेरा, हंसने टाइम मेरा। मर्द कभी औरत पर हाथ नहीं उठाता। इश्क में धोखे का मतलब लड़की पर हाथ उठाना नहीं होता। हाथ उठाना किसी भी नजरिए से सही नहीं है। अपने बच्चों के गलत काम को गलत बोलना सीखिए। हंसी आ रहा मेरा, हंसने टाइम मेरा, ये वीडियो देखकर क्या आपको गुस्सा आया? क्या आपका इस वीडियो को देखकर खून खौला?
मैं कॉलर और मत पकड़ना, तो कल केस हो जाने वाला। मेरे ही तो बात कर रही थी, मेरे ही टाइम पास करने लगा। इसी मारो हमको कभी तो ऐसा नहीं लगता झाप भाई। ये वीडियो है जमशेदपुर का, जहां दो लड़के मस्ती कर रहे हैं और मस्ती मस्ती में एक लड़की को पीट रहे हैं। पिटाई का वीडियो बनाया जा रहा है। आरोप है कि लड़की दोनों लड़कों से बात करती है, तो इसमें क्या हर्ज है? मगर इसी आरोप में इसे पीटा गया। पहला युवक लड़की को धीरे धीरे मार रहा है। ऐसा नहीं लगता झाप भाई। तो हंसते हुए यश को अपनी मर्दानगी बताने का दिल करता है, फिर वो आता है और पूरी ताकत से लड़की को मारता है। और बात करें वीडियो वायरल किया जाता है, तो पुलिस कार्रवाई करती है और आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद पागलपन के दौरे का नाटक कर युवक को बवाल काटता है। और इसके इस पागलपन को इसके परिजन सही ठहरा रहे हैं। ऐसी लड़के लोग बर्बाद होते हैं, ऐसी लड़के लोग इसीलिए अखलती गुंडा बने थे। यही कारण था अखलती गुंडा बने थे। यही यही कारण था गुंडा। यही कारण था अखलती गुंडा। किसी के मारने के थाने से बाहर नहीं निकला मारा। बताइए ऐसे मारा जाता है? एक मैंने दोस्ती यानी के कारण में एक लड़की से मैंने लड़की को मामला में चल गया, तो वो लड़का मारा, ये भी हाथ चला दिया। बस यही मामला है। अच्छा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये लोग खाली वीडियो खींच के वीडियो वायरल करके बस इतने। गाला में दाग कैसे है? गाला देख लीजिएगा, आप बताइएगा। जेल का आदमी बताएगा ना, थाना का आदमी ना बताएगा। यस शर्मा, हर गुटू, जगदीशपुर रोड, बागबड़ा थाना। आपस में दो प्यार मोहब्बत अलग अलग बात था। तो ये लड़का लड़का मेरे साथ दो दिन पहले ही दोस्ती हुआ था। ये लड़का वेटर का काम करता है, तो ये लड़का को बुलाया, तो लड़का भी वहाँ गया, तो ये लड़का भी लड़की को मारा, ये लड़का भी मारा लड़की को। तो लड़का को मारा, तो ये प्रशासन घर में आया कि आपका बेटा ऐसा गलती किया है। तो प्रशासन का बच्चा का माँ बाप भी परेशान होने लगे कि मेरा बेटा अलग गलती किया है। तो ये लोग खोज छाज के बच्चा को घर में लाया, घर में लाकर थाना में बागबेरा थाना में फोन करके बच्चा को सिलेंडर करवाया, और सिलेंडर करवाने के बाद वो लोग वहाँ से इसको जेल भेज दिया। एक घंटा में जेल भेज दिया। मैं साक्षी, अब यहाँ पर साक्षी भैया, तो कल ये लोग कपड़ा देने आया परिवार वाला लोग, तो परिवार वाला कपड़ा देने बोला कि नया कपड़ा चाहिए, नया तौलिया, नया जागिया, नया गंजी, नया कपड़ा चाहिए। चलो नया कपड़ा ला कर आज उसको देने आया। देने आया तो देख रहा है कि बच्चा को बाहर निकाल के कुंदा पे मारे जा रहा है, जैसे कि बहुत बड़ा कांड कर दिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया, पूरा बम धमाका जैसे कर दिया, जैसे बहुत 50 आदमी का मर्डर करके आया, इसको मारो। सबसे मंडल करा से लेकर के आया है। अच्छा, और ये हाजत बंदी। अच्छा, और इस तरह कर रहा था, हम लोग ड्यूटी में थे नहीं, मिला करके ड्यूटी हम लोग प्राण रक्षा के लिए इसको अस्पताल पहुँचाने हेतु आए। अच्छा, तो क्या कुछ बता रहा है? क्या चिल्लाई रहा था, तो हम लोग इसको ऑटो से बैठा करके लेकर के आए अस्पताल में। भी कभी जी चिल्लाया अस्पताल में? भी चिल्ला रहा था। हाँ, अस्पताल में भी चिल्ला रहा था, तो आप भी देख रहे थे। तो मैंने आप लोग परेशान कर रहा है, परेशान हुए क्या? अब जो परेशान तो होना ही होना है। जब अगर किसी व्यक्ति को हम लोग रखते हैं अंदर में,
तो उसका तो मालिक जेल प्रशासन ही होती है ना, तो उसका प्राण रक्षा जब ऐसे कर रहा तो मेरे को तो पहुँचाना है। आपने बचपन में एक कहानी तो सुनी होगी, कैसे एक बच्चे की चोरी की आदत पर घर वाले पर्दा डाल देते हैं। गुजरते वक्त के साथ बच्चा जवान होता है और एक बड़ा चोर बन जाता है और एक दिन खुद के ही घर में चोरी की घटना को अंजाम दे देता है। बच्चे की बुराई पर पर्दा मत डालिए, उसे सही और गलत के बीच का फर्क समझाइए, बाकी तो आप समझदार हैं ही।